ये देख रहे हो आप इतने सारे कर्ली हेयर जेल। पता है आज से कुछ साल पहले हमारे पास इंडिया में एक भी कर्ली हेयर प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं था। अब देखो इतने सारे ऑप्शंस, अब तो समझ ही नहीं आता कि कौन सा हेयर जेल परचेज करें, कौन सा मेरे बालों को सूट करेगा। मगर मैं इसी चीज़ में आपकी आज हेल्प करूँगी। आई विल रिव्यू ऑल द पॉपुलर कर्ली हेयर जेल्स फॉर वेवी एंड कर्ली हेयर, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम दीपिका है, मैं स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर की वीडियोज़ बनाती हूँ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ही यूजफुल और इजी होती हैं टू अंडरस्टैंड। ऐसा मैं नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि आप टाइटल में देख के आए हैं, आई विल रिव्यू ऑल पॉपुलर कर्ली हेयर जेल्स फॉर वेवी एंड कर्ली हेयर। अब आपके लिए वीडियो इजी करने के लिए मैं बता दूं, जो आगे जेल्स आने वाले हैं मैं उनको रिव्यू करूंगी कास्ट और होल्ड के बेसिस पे। बट हो सकता है ये वर्ड्स आपको समझ ना आए। तो कास्ट होता है जब आप जेल लगाते हैं और सूखने के बाद आपके बाल कड़क से हो जाते हैं, ऐसे गीले से लगते हैं बट कड़क कड़क एकदम बहुत ही सख्त होते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेल्स ऐसे ही काम करते हैं। आप उसको आराम से सॉफ्ट कर सकते हैं ऐसे क्लैप कर करके या फिर ऐसे स्क्रंच करके, जब आपके बाल 100% सूख जाएं। ये होता है कास्ट। और होल्ड होता है जब आपके बाल सूख गए, आपने इसे स्क्रंच भी कर लिया, उसके बाद आपके जो कर्ल का डेफिनेशन है, चाहे वो वेव हो चाहे वो कर्ल हो, वो कितने दिन तक चल रहा है। जैसे मेरा ये कर्ल क्लंप है, ये दूसरा या तीसरा दिन है मेरा, और ये ऐसा का ऐसा ही है, ऐसे खुल नहीं रहा है या फिर ऐसे स्ट्रेच होके एकदम अजीब सा नहीं हो गया है। तो यानी कि अभी मैंने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोडक्ट लगा रखा है, तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। और एक टिप जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये ट्रू है वेवी हेयर कर्ली हेयर सबके लिए। अगर आपके पतला बाल या आपके लो डेंसिटी हेयर हैं, यानी कम बाल हैं सर पे, तो लो टू मीडियम होल्ड जेल्स लीजिए। और अगर आपके बहुत सारे बाल हैं या आपका मोटा बाल है, तो मीडियम टू स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल्स लीजिए। अब ये पता कैसे करना है, एक स्ट्रैंड उठाइए, कोई भी सिंगल स्ट्रैंड, उसको हाथ के बीच में ऐसे करके घुमाइए। अगर आपको वो फील हो रहा है बहुत मोटा, तो कोर्स हेयर है यानी मोटा बाल है, और आपको फील ही नहीं हो रहा कुछ, तो यानी फाइन हेयर यानी कि पतला बाल है। और कुछ कुछ ऐसे इसके बीच में है जैसे कि मेरा, तो उसे मीडियम कहते हैं, मीडियम विड्थ हेयर। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ये है प्लम का एलोवेरा जेल। ये प्रोडक्ट मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि पहले तो बिगनर फ्रेंडली है ही, बट बहुत सारे लोगों का सवाल आता है क्या हम एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग कमर्शियल हेयर जेल्स। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपको एलोवेरा जेल यूज़ करना है तो आप ये वाला यूज़ कीजिए। बाकी जो सारे एलोवेरा जेल्स होते हैं उनको थोड़ा थिक बनाने के लिए उनमें जैंथम गम डाला जाता है काफ़ी क्वांटिटी में, उसकी वजह से ना बाल एकदम ड्राई होने लगते हैं, लगाते लगाते बाल एकदम रूखे से रफ से हो जाते हैं और वो बिल्कुल होल्ड भी नहीं देते, तो उनको अवॉइड कीजिए। अगर आपको एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है तो ये यूज़ कीजिए। अब ये मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगी जिन्होंने जस्ट अपनी कर्ली हेयर जर्नी स्टार्ट करी है, समझ नहीं आ रहा कौन सा हेयर जेल यूज़ करें, जेल करता क्या है, कि मेरे बालों पे अजीब लगेगा क्या, ज़्यादा कड़क हो जाएंगे, तो ये उनके लिए है। और इसकी सबसे अच्छी बात है, हर कोई यूज़ कर सकता है, बच्चे भी और बड़े भी। वैसे एक हेयर जेल नहीं है, ना ही ये कर्ली हेयर जेल है, बट ये अच्छा होल्ड देता है बालों में अगर आप अच्छी क्वांटिटी में से यूज़ करते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। अगर आप हल्का यूज़ करेंगे, कम यूज़ करेंगे, तो एक लाइट होल्ड देगा। तो ये यूज़ करना काफ़ी आसान है, काफ़ी रनी सा है, और आप अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। ये लाइट टू मीडियम होल्ड देता है, इसीलिए ये लो डेंसिटी एंड फाइन हेयर को भी सूट करता है। और वॉश डे इसके बीच में रिफ्रेश करने के लिए तो ये वन ऑफ माई फेवरेट जेल्स है। मैंने इसके कितने सारे टब्स और बॉटल्स ख़त्म कर दिए हैं। और एक इसकी सबसे अच्छी खासियत है, चाहे आपके बालों को कोई भी दूसरा जेल आपके बालों को ड्राई कर रहा है, ये नहीं करेगा। जितने भी जेल्स मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लिंक के साथ डिस्काउंट कोड अगर होंगे तो वो भी दे दूंगी, और मल्टीपल साइजेस के ऑप्शन हैं अगर तो वो भी दे दूंगी, तो आप लिंक जरूर चेक करिएगा। अब बात करते हैं बेयर एनाटॉमी के कर्ल डिफाइनिंग जेल की। इसका स्लिप टेक्सचर और फ्रेग्रेंस तो बहुत ही अच्छा है, फ्रेग्रेंस तो एकदम फ्रूटी सा बढ़िया सा फ्रेग्रेंस है। और ये क्लेम करते हैं कि ये 48 आवर्स ऑफ कर्ल रिटेंशन देता है, 2x फ्रिज कंट्रोल देता है, जिससे मैं ज़्यादा अग्री नहीं करती हूँ क्योंकि ये एक सॉफ्ट होल्ड यानी कि एक लाइट होल्ड जेल है। लाइट होल्ड जेल सूट करता है फाइन हेयर को, यानी कि पतले पतले बाल हों जिनके, या जिनके कम बाल हैं, या अगर आपके वेवी हेयर हैं, आपको सॉफ्ट सा होल्ड चाहिए, आपको ज़्यादा होल्ड नहीं चाहिए, ये उनके लिए एकदम सूटेबल है, ये उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बट जिनके कोर्स कर्ली हेयर है, मोटा बाल है, बहुत सारे बाल हैं, एक्सट्रीम फ्रिज कंट्रोल चाहिए जैसे कि मेरे बाल हैं, ये उनको ज़्यादा सूट नहीं करेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा होल्ड नहीं है। सेम डे हो सकता है बाल खुल जाएं, और इंडिया का वेदर तो होता भी बहुत ह्यूमिड है, तो ये उस टाइप के वेदर में भी नहीं काम करेगा। बट ये फाइन हेयर को, लो डेंसिटी हेयर को, वेवी हेयर को एंड रिफ्रेशेस के लिए एकदम परफेक्टली काम करता है। अब बात करते हैं मेंटेन की। ये वो ब्रांड है जो शार्क टैंक पे भी आया था,
और इस ब्रांड ने कर्ल कम्युनिटी में भी अपनी काफ़ी जल्दी जगह बना ली। इनके लास्ट ईयर ये जेल्स लॉन्च हुए थे, ब्लू वाला इज़ वॉल्यूम जेल एंड द पिंक वन इज़ हार्ड होल जेल। ये इनकी पुरानी पैकेजिंग है, ये ऑरेंज वाली इनकी न्यू पैकेजिंग है, तो हो सकता है आपके पास इनमें से कोई भी पैकेजिंग आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं मेंटेन की वॉल्यूम जेल की, ये पुरानी पैकेजिंग है, ये न्यू पैकेजिंग है। इसका टेक्स्चर काफ़ी रनी सा है तो ये ईजी टू अप्लाई है, फ्लैश ड्राइंग बिल्कुल नहीं होती इससे, और इसकी फ्रेग्रेंस भी एक लाइट ऑरेंज एसेंशियल ऑयल की फ्रेग्रेंस है तो वो भी इरिटेटिंग नहीं है बिल्कुल भी। बात करते हैं इसके कास्ट और होल्ड की, इसमें मीडियम टू स्ट्रॉन्ग कास्ट रहता है बट वो इजी टू ब्रेक होता है। ऐसा नहीं कि आपका स्ट्रॉन्ग कास्ट आया और आप स्क्रंच कर रहे हो वो कास्ट जा ही रहा, ऐसा नहीं होगा इस वॉल्यूम जेल में। और इसका होल्ड मीडियम सा रहता है, लाइट टू मीडियम रहता है, उसकी वजह से इसमें अच्छा वॉल्यूम आता है बालों में, यानी कि बाल ऐसे फ्लफी फ्लफी से रहते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम ही क्लंप ऐसे पतला सा हो गया, ऐसा मोटा सा क्लंप रहेगा उसकी वजह से बाल फ्लफी से लगते हैं। तो मुझे ये जेल यूज़ करना बहुत अच्छा लगता था, मतलब इट वॉज फन टू यूज़ दिस पर्टिकुलर मेंटेन वॉल्यूम जेल। तो ये वॉल्यूम जेल डिसेंट फ्रिज कंट्रोल देता है, अच्छा डेफिनेशन देता है, ये पतले बालों पे और लो डेंसिटी यानी कम बालों पे बहुत अच्छा काम करेगा, तो ये उन लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। बट ये कोर्स हेयर के लिए या स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए नहीं है, और ह्यूमिडिटी में भी ये बहुत अच्छा काम नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। बात करते हैं मेंटेन के हार्ड होल्ड जेल की, जैसा कि इसका नाम है हार्ड होल्ड जेल, इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट हार्ड कास्ट होता है और इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है, तो ये ह्यूमिडिटी के लिए एकदम परफेक्ट है। या आपका मोटा बाल है, बहुत ही एक्सट्रीम फ्रिज कंट्रोल चाहिए, बहुत एक्सट्रीम डेफिनेशन चाहिए, तो आपको ये यूज़ करना चाहिए, बट इससे थोड़ा आपका वॉल्यूम कम लगेगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगर इसके टेक्स्चर की बात करें तो ये इजी टू अप्लाई है, फ्रेग्रेंस भी हल्की फुल्की है, कोई इरिटेटिंग स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, बट इसको अप्लाई करते हुए थोड़ा सा फ्लैश ड्राइंग सा इफेक्ट हो सकता है, तो याद रखिएगा इससे पहले आप अच्छा लीव इन या फिर कर्ल क्रीम यूज़ करें, एक मॉइस्चराइजिंग वाला, और स्टाइल करते हुए बार बार पानी डालते रहें बालों पे और सेक्शन बाय सेक्शन स्टाइल करें, तब आपको बेस्ट इफेक्ट मिलेगा इस हार्ड होल्ड जेल का। इनके हार्ड होल्ड जेल से एक्चुअली कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि जो उनके पास जेल आया है उसका टेक्सचर सही नहीं है, वो सेपरेट हो रहा है, सॉलिड एंड वाटर सेपरेट हो रहा था, बट आई होप न्यू पैकेजिंग में ब्रांड ने ये एड्रेस कर दिया हो। अब बात करते हैं कर्लवाना के कर्ली हेयर जेल की, ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हुआ करता था, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत बढ़िया काम करता था, मैंने तो इसकी मल्टीपल ट्यूब्स खत्म कर दी थी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब ये शायद अवेलेबल नहीं है, शायद डिसकंटिन्यू हो गया है, इसलिए इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको ये किसी वेबसाइट पे अभी भी मिल रहा है तो इसको जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल था। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा ब्रांड फिक्स माय कर्ल्स की, इनके पास दो जेल्स हैं, एक डिफाइनिंग जेल और एक कर्ल क्वेंचिंग फ्लेक्सी जेली। क्या फर्क है दोनों में, एक मिनट रुको जरा, सब कुछ मैं ही बताऊंगी, थोड़ी हेल्प मेरी भी करो, वीडियो को पॉज करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नीचे एक रेड कलर का बटन है, बस उसको प्रेस करना है। कर्ल क्वेंचिंग फ्लेक्सी जेली के बारे में बात करें तो ये एक मॉइस्चराइजिंग जेल है, काफ़ी रिच है एक्चुअली, एंड ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग के साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड भी देता है, स्ट्रॉन्ग कास्ट भी देता है और अच्छा शाइन भी आता है, तो ये जेल तो मुझे यूज़ करना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरे पास इसकी मल्टीपल साइजेज रहते हैं, ट्रैवलिंग में भी मैं इसे यूज़ करना पसंद करती हूँ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये लगाते लगाते भी बाल को रफ़ या ड्राई नहीं करता है, गीले बालों को, और बाद में भी ह्यूमिडिटी में भी बाल अच्छे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग कास्ट रहता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है। काफ़ी साल पहले जब बटर एंड जेली साथ में लॉन्च हुए थे तो काफ़ी लोगों को याद होगा इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इवन सरदर्द करने वाली फ्रेग्रेंस थी, बट ब्रांड ने इस पे काम किया। अभी जो बटर एंड जेली आ रहे हैं मार्केट में उनकी बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है, तो आप ले सकते हैं अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है। कर्ल क्वेंचिंग जेली मैं रिकमेंड करूँगी कोर्स हेयर के लिए, वेरी रफ हेयर के लिए, थिक हाई डेंसिटी हेयर के लिए, मेरे जैसे टाइट कर्ल्स के लिए, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी जिनके पतले बाल हैं, एकदम फाइन फाइन से हेयर हैं, लो डेंसिटी कम बाल है, क्योंकि उन बालों पे ये ऑयली ऑयली सा लग सकता है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी लोगों ने बताई भी है। तो अगर आपके इस तरह के बाल हैं तो इसको अवॉइड कीजिए, कोई और लाइट टू मीडियम होल्ड जेल पिक कीजिए इस वीडियो से। अब बात करते हैं डिफाइनिंग जेल की, ये जब लॉन्च हुआ था तब तो मेरे बालों पे बहुत अच्छा सूट होता था, बट अब ये मेरे बालों पे इतना अच्छा काम नहीं करता है, ये लगाते लगाते ना थोड़ा फ्लैश ड्राइंग जिसको बोलते हैं, लगाते लगाते गीले बाल सूखे सूखे से रफ रफ से लगने लगते हैं, ये वो करता है। एंड आप कितना भी लगा लो या तो आपके बाल बहुत ड्राई हो जाएंगे या फिर कास्ट नहीं आएगा या होल्ड ही नहीं आएगा, तो कुछ इस तरह की ना गड़बड़ हो जाती है जब इस जेल को मैं जब भी लगाती हूँ। तो ये जेल तो मैं ज़्यादा किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी, इसकी जगह या तो आप फ्लेक्सीड जेली यूज़ कीजिए फ्लिक्स माय कर्ल्स की ही, या फिर कोई और जेल इस वीडियो से पिक कर लीजिए। अब बात करते हैं ऑल डूअर के सुपर होल्ड जेली की, ये ब्रांड मुझे लगता है काफ़ी अंडररेटेड है, इनके हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सारे ही काफ़ी अच्छे हैं एंड क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये जेल भी 200
ml में है, स्ट्रॉन्ग कास्ट देता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है, ह्यूमिडिटी में भी काम करता है, कोर्स हेयर को, हाई डेंसिटी हेयर को, मोटे बाल हैं जिनके उनको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, एंड जिनके टाइट कर्ल्स हैं मेरी तरह उनको भी ये ट्राई करना चाहिए। पतले बाल, कम बाल यानी कि लो डेंसिटी हेयर जिनके हैं वो इसको अवॉइड करें, हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग कास्ट और स्ट्रॉन्ग होल की वजह से उनके बाल और ज़्यादा कम लगने लगें, बट अदरवाइज़ आप इस जेल को ज़रूर ट्राई करें। ये अच्छे प्राइस में, मतलब 600-500 रुपीज़ में अच्छा क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं राटा के कर्ली हेयर जेल की। ये इनके एडवांस कर्ल केयर रेंज का ही पार्ट है, जिसके बाकी प्रोडक्ट्स तो मुझे कुछ खास नहीं लगे, ये वाला जेल बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है, स्ट्रॉन्ग कास्ट देता है, बट थोड़ा सा लगाते लगाते हल्का सा ड्राइंग हो सकता है, तो इससे पहले आप एक अच्छा लीव इन कंडीशनर या एक कर्ल क्रीम अपने बालों के हिसाब से यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इसको अकेले नहीं लगाना है, क्योंकि ये हल्का सा ड्राइंग है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है, तो ये कोर्स कर्ली हेयर मीडियम डेंसिटी और हाई डेंसिटी को ज़्यादा अच्छे से सूट करेगा, तो वो लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करें। अब बात करते हैं द पॉपुलर कर्ल अप हेयर जेल्स की। ये है अल्ट्रा रिफाइनिंग जेल, ये है एडवांस फ्रिज कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल। अब कौन सा आपके बालों को सूट करेगा वो मैं बताती हूँ। कर्ल अप के बारे में एक और लोगों का कंसर्न रहता है कि इनके फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, बट अब ये ब्रांड ने इस चीज़ पे काम किया है। जो इनके शुरू के 3 प्रोडक्ट्स आए थे ना, क्रीम, शैम्पू, कंडीशनर, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी। बाद में जो प्रोडक्ट्स आए जैसे ये जेल, ये वाला जेल, इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत लाइट है। कर्ल अप का अल्ट्रा डिफाइनिंग जेल मीडियम टू स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल है, स्ट्रॉन्ग कास्ट आता है बट ईजी टू ब्रेक कास्ट होता है, एंड ये ह्यूमिडिटी में बहुत बढ़िया काम करता है। तो जो लोग पूछते हैं मुझे, मैं ह्यूमिड सिटी में रहता हूँ, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली वगैरह वगैरह, उन लोगों को मैं ये ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, बट ये फाइन एंड लो डेंसिटी हेयर के लिए अगेन इतना सूटेबल नहीं है। तो आपके अगर मोटा बाल है, हाई डेंसिटी हेयर है, बहुत ज़्यादा फ्रिज कंट्रोल चाहिए, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ही आप इसको लीजिए और ये बहुत ही अमेजिंग काम करेगा, और स्लिप भी इस जेल का बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं एडवांस फ्रिज कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल की। ये लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था, मैंने ये कई बार ट्राई किया बट मुझे इसका जो कास्ट और होल्ड है वो इतना अमेजिंग नहीं लगा। कास्ट चलता है, ठीक है, नहीं है स्ट्रॉन्ग तो कुछ उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट उसके साथ ही मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल भी नहीं लगा, ये लाइट टू मीडियम होल्ड जेल लगा। तो मैं इसे रिकमेंड करूँगी फाइन हेयर के लिए, लो डेंसिटी हेयर के लिए, क्योंकि अगर आपके मीडियम सा होल्ड रहेगा तो बाल फ्लफ़ी एंड डिफाइंड रहेंगे, तो दिस इज़ मोर सूटेबल फाइन हेयर को, पतले बालों को और लो डेंसिटी यानी कि कम बालों को। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं मानती हूँ शायद ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, है ना, बट ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अब बात करते हैं आजबा के कर्ली हेयर जेल्स की। इनके पास 3 प्रोडक्ट हैं फॉर होल्ड, द डिफाइनिंग जेल और स्टाइलिंग सेरम और कर्लिंग कस्टर्ड। सबसे पहले सबसे पुराने कर्ल डिफाइनिंग जेल के बारे में बात करते हैं। ये वो जेल है जो ज़्यादातर कर्ल क्रीम्स एंड लीव इन कंडीशनर के साथ काम करता है। ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर एंड स्लिप, ईजी टू अप्लाई है, एंड स्ट्रॉन्ग कास्ट एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको लाइट टू मीडियम होल्ड चाहिए तो कम जेल यूज़ कीजिए। तो ये थोड़ा सा बिल्डेबल होल्ड वाला जेल है, तो इसलिए ये ज़्यादातर लोगों को काम करता है, फाइन हेयर को भी, कोर्स हेयर को भी। अभी कर्ल स्टाइलिंग सेरम है जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये एक लाइट होल्ड हाइड्रेटिंग जेल है। ये मैं वेवी हेयर को, पतले बाल को, लो डेंसिटी हेयर को ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, और रिफ्रेशेस के लिए तो मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये लाइट सा मीडियम सा होल्ड देता है और साथ में मॉइस्चराइज भी करता है बाल को हल्का सा। तो आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यानी कि लीव इन कंडीशनर या कर्ल क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट फाइन हेयर एंड लो डेंसिटी हेयर एक्चुअली वांट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं जानती हूँ आजबा बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बट स्टाइलिंग सीरम लोगों ने नहीं ट्राई किया है इसी वजह से, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये भी एक लाइट होल्ड जेल है। तो अगर आपको वन एंड डन स्टाइलर चाहिए जो कि ड्राई ना करे, थोड़ा सा होल्ड भी दे दे, कुछ और यूज़ भी ना करना पड़े, या फिर एक रिफ्रेश के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्लिंग कस्टर्ड की। अब आजबा के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैंने यूज़ करे हैं, बट सबसे कम यूज़ किया है मैंने ये कर्लिंग कस्टर्ड। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कास्ट देता है जो कि मेरे से नहीं रिमूव होता है। मुझे पसंद है स्ट्रॉन्ग कास्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड, बट इसका स्ट्रॉन्ग कास्ट नेक्स्ट लेवल होता है, और क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग कास्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है तो मैं इसे फाइन हेयर, पतला बाल एंड लो डेंसिटी यानी कि कम बाल को नहीं रिकमेंड करूँगी, एंड वेवी हेयर को भी मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अगर आपके बालों में इतना ज़्यादा कास्ट आ गया और आप नहीं हटा पा रहे हो उसको, तो ऐसा लगेगा कि
क्या ऑयल लगा रखा है, वेट वेट से गीले गीले से बाल लगेंगे, ठीक है। तो ये मैं कर्ली हेयर को ही रिकमेंड करूँगी, बट वो भी उनके जिनके बहुत सारे बाल हैं, टाइट कर्ल्स हैं, आशा जैसे कर्ल्स हैं, उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। या आप ह्यूमिड कंडीशंस में रहते हो, आपको एक्सट्रीम डेफिनेशन एंड होल्ड चाहिए, तो आप इसको ट्राई कीजिए। इसकी सबसे अच्छी बात है कि थोड़ा सा लगाना पड़ता है और उसमें आपका काम चल जाएगा। तो इसका छोटा साइज़ भी आता है, वो भी ट्राई कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले वो ट्राई कीजिएगा फिर इसको लीजिएगा। और एशबा के अगर आपको जेल्स में कन्फ्यूजन है अभी भी, तो उनके अब वो ट्रैवल साइजेस में भी आते हैं, आप वो ट्राई कर लीजिए उससे पहले, और मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं डव के कर्ल डिफाइनिंग जेल की। इस जेल को लेके बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है वगैरह वगैरह, तो मैं बताती हूँ। ये एक लाइट टू मीडियम होल्ड जेल है, स्ट्रॉन्ग कास्ट नहीं देता, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग होल्ड भी नहीं देता है। ये जेल से ज़्यादा ना एक ट्रांसपेरेंट लीव इन कंडीशनर जैसा ज़्यादा है, और मैं इसको एग्जैक्टली वैसे ही डिस्क्राइब करती हूँ क्योंकि ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है। और अगर आपके बाल रफ या डल लगते हैं तो इसको ट्राई कीजिए, शाइन तो बहुत ही अच्छा आता है इससे। बट इससे ना ज़्यादा होल्ड मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, और ह्यूमिडिटी है अगर बहुत ज़्यादा, आपको बाहर बहुत जाना है, तो फिर इसको मत यूज़ कीजिएगा, या फिर इसके बाद एक आप मीडियम टू स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको एक वन एंड डन प्रोडक्ट चाहिए, साथ में कुछ और नहीं यूज़ करना, हल्का फुल्का होल्ड चाहिए, मॉइस्चराइजेशन भी चाहिए उसी वन एंड डन प्रोडक्ट से, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस, स्लिप और टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है, ईजी टू अप्लाई है एंड बिगनर फ्रेंडली भी है। मैंने ये जेल बहुत यूज़ किया है, और जब भी मुझे ऐसे फ्लफी फ्लफी से लाइट वेट वाले हेयर चाहिए होते हैं ना, तो मैं इस जेल को यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं बेस्ट लाइफ के कर्ल नरिश स्टाइल जेल की। ये तीन जेल नहीं है, ये अलग अलग पैकेजिंग और साइजेस हैं, क्योंकि पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, अब ये ऐसा दिखता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और ये वाला जेल इस साइज में भी अवेलेबल है, एक कर्ली हेयर सेट में, तो आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। पहले मैंने ऑल डूअर के लिए बोला था, ये एक अंडररेटेड ब्रांड है, मैं बेस्ट लाइफ के लिए भी बोलती हूँ, बहुत ही प्रॉमिसिंग ब्रांड है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और ये जेल तो बहुत ही अच्छा है। ये स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है, बट काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल्स में क्या होता है, फ्लैश ड्राइंग जिसे हम बोलते हैं, लगाते लगाते बाल ड्राई होने लग गए, गीले बाल ड्राई से फील हो रहे हैं, वो इसमें नहीं होता है। स्लिपरी है, इजी टू अप्लाई है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जेल चाहिए, स्ट्रॉन्ग कास्ट के साथ चाहिए, ड्राई भी ना करे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये ह्यूमिडिटी में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। क्या मैं इसे फाइन हेयर के लिए रिकमेंड करूँगी? हाँ, ये फाइन हेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक रिच प्रोडक्ट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इसका कास्ट ही ब्रेक नहीं हो रहा तो आपके बाल अजीब से लग रहे हैं ड्राई होने के बाद। बट अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इनका ट्रैवल साइज़ पहले ट्राई कीजिए, एंड थोड़ा कम प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, जिससे आपको पता लगे कि आपको और प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये एक ऐसा जेल है जो ज़्यादातर बालों पे सूट करेगा, बीट वेवी कर्ली, फाइन कोर्स, ऑल टाइप ऑफ कर्ल टाइप्स। अब मैंने सारे के सारे जेल्स कर दिए हैं रिव्यू आपके लिए, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए, कौन सा मुझे पसंद नहीं आया। बट अभी भी आप कन्फ्यूज़ तो हो रहे होंगे, ऑब्वियसली इतने सारे जेल्स रिव्यू कर दिए, आपकी जगह मैं होती तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती। अभी भी आप डाउट में हैं, इतने सारे ऑप्शन में से कौन सा पिक करें, आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो मैं ये तीन स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगी। एशबा डिफाइनिंग जेल सबके लिए, क्योंकि ये सबके साथ जाता है और बिल्डेबल होल्ड है, आप पे डिपेंड करता है कितना आप यूज करना चाहते हैं। कर्ल अप अल्ट्रा डिफाइनिंग जेल एक स्ट्रॉन्ग होल्ड स्ट्रॉन्ग कास्ट जेल है, जो कि नॉन ड्राइंग है, ह्यूमिडिटी में भी काम करता है। और आपको अगर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बट मॉइस्चराइजिंग जेल चाहिए, और बाहर पार्टीज वगैरह के लिए चाहिए, तो ये वाला ट्राई कीजिए, बट याद रहे ज्यादा नहीं यूज करना। और आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला था वीडियो में, और बच्चों को भी सूट करता है, ये प्लम का हेलो एलोए जस्ट जेल। तो ये तीन तो मेरे रिकमेंडेशन से, क्योंकि ये मेरे बालों को बहुत अच्छे से सूट करते हैं, जो कि मीडियम विड्थ हेयर हैं विद हाई डेंसिटी। बट हो सकता है आपके बाल अलग हों, राइट? तो इस वीडियो को देखिए, आप सेलेक्ट कीजिए आपके बालों पे कौन सा जेल ज्यादा सूट करेगा। जैसा कि मैंने पहले बोला था, सारे के सारे लिंक्स एंड डिस्काउंट कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सारे लिंक्स। मैंने इस तरह की और भी वीडियोज बना रखी है, जैसे बेस्ट कर्ली हेयर शैम्पू, बेस्ट कर्ली हेयर कंडीशनर, सारे रिव्यू करे हैं कर्ल क्रीम्स एंड लीव इन कंडीशनर को, बेस्ट शैम्पू फॉर डैंड्रफ, उनकी लिंक्स आपको यहीं कहीं मिल जाएंगे, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।